सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और मैं देखने जा रहा हूँ भक्षक के ऊपर, जो कि भूमिपेड नेगर की एक नई मूवी आई है, उसका ऑफिशियल ट्रेलर आया है नेटफ्लिक्स की ऑफिशियल साइट, ऑफिशियल चैनल पर। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि स्टोरी हमको क्या बताना चाहती है। भक्षक नाम से आपको बताया, क्योंकि जब पिक्चर बनती है तो उस हिसाब से उसका टाइटल रखा जाता है। तो भक्षक देखते हैं कैसी है। शायद तक ये सोलो स्टार कास्ट है लग रहा है मुझे, क्या पता नहीं। तो देखते हैं बिना किस तरीके का, आपको वीडियो पसंद आएगी और मुझे पता चलेगा इस पिक्चर में है क्या। तो अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, एंड लाइक नहीं किया तो लाइक करें। तो बिना किस तरीके स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसा है ट्रेलर, एंड आई होप यू लाइक इट। तो चलिए देखते हैं। अनाथ का मतलब समझते हो? जिसका कोई नाथ नहीं होता। अनाथ तुम लोग है कि नहीं है किसी को नहीं पता। सोशल ऑडिट में आया मैडम कि मुनव्वरपुर बालिका गृह में बच्ची सबके साथ दुष्कर्म होता। क्या रिपोर्टिंग कर रही हो तुम आजकल, और कौन से बालिका गृह के चक्कर में हो? फोटो वोटो खींच रहे हैं आप? तो बिना काम के आना मना है यहाँ। चलिए निकलिए। अगर दो तीन महीने से ये रिपोर्ट सरकार के पास है और सरकार कुछ नहीं कर रही, तो बंसी साहू की पहुंच कहाँ तक है तुम्हें समझ में आ रहा है ना? मंत्री आप तो एकदम है हमारे पीछे पड़ गई हैं। सच खोजने का कोशिश कर रहे हैं और उसमें तो कुछ गलत है नहीं। काहे आत्महत्या करना चाहते हैं? कोई भी मीडिया हाउस इस खबर को चला नहीं रहा और ना ही इस पर कोई खोजबीन हो रही है। एक तो इतना मुश्किल से मंत्री पद मिला है, तो फंसा दिए। हाथ भी मत लगाना उस। अरे रिपोर्टर है इसीलिए चुप बैठे हैं, नहीं तो गला काट कर रेलवे की पटरी में डाल दिए होते अब तक। आज तो और लड़की को लेके गए, कल तुमको लेके जाएंगे। झोंकना है भास्कर जी, बच्चियों को इंसाफ दिला। ज्यादा उम्मीद मत रखना, केस बहुत स्ट्रांग नहीं है। अरविंद उन छोटी बच्चियों के साथ गलत काम कर रहा है बंसी साहू, समझ रहे हो तुम? हमारे घर की बच्ची के साथ कोई गलत कर रहा है? नहीं तो कहाँ इमोशनल हो रही हो? ये है दुनिया का सच। जब तक दूसरे के घर में गलत हो रहा है तब तक कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन ये याद रखना अरविंद कि अगर दूसरे की बेटी के साथ गलत हो रहा है तुम्हारी बेटी के साथ भी होगा, इसलिए बोलना पड़ेगा अरविंद। आज बंसी साहू का कुंडली लिखेंगे हम। दूसरों के दर्द में दुखी होना भूल गए हैं क्या? क्या अब भी आप अपनी गिनती इंसानों में करते हैं, या अपने आप को भक्षक मान चुके हैं? भक्षक क्या स्टोरी बताती है? पुलकित द्वारा बनाए गए नेटफ्लिक्स एंटरटेनमेंट पर आ रही, 9 फरवरी को आएगी। और क्या कुछ एंड में है? कुछ मिलेगा एंड में? कुछ नहीं मिला एंड में। तो यहाँ पे खत्म होती है, क्या बताएं और क्या ना बताएं इसके ऊपर डिस्कशन करने से बढ़िया है बताता ही बता ही देता हूँ। पिक्चर के टाइटल से आप सब समझ गए होंगे कि भक्षक किस लिए है, कि जिस हिसाब से उन्होंने शुरुआत में टाइटल आ गया था कि अनाथ, जिसका कोई नाथ नहीं होता, जिसके कोई पिता नहीं होते, माता पिता या पेरेंट्स नहीं होते, वो अनाथ ही होते हैं। ये सबको बताई, ये चीज़ इसमें बताई गई है। और इनको जिसमें रखा जाता है वो अनाथ आश्रम ही होता है, उसमें ही सिर्फ वो लड़कियों का रिलेटेड है। उसमें लड़के ही लड़कियाँ हैं जो अनाथ हैं, इसमें लड़कियाँ दिखाई गई हैं और जेंट्स दिखाई नहीं गए उस अनाथ में। सॉरी, जो मुझे देखा बता रहा हूँ उस हिसाब से कहानी सेक्सुअल सेक्स के ऊपर जाएगी, जो कि शायद तक वो लड़की बालिक भी हो सकती है, नाबालिग भी हो सकती है, उनका रेप के ऊपर कहानी है। और ये जो इनकी लीड स्टार कास्ट है ये, और उनके नेगेटिव में जो हैं उनका नाम मुझे बाद, सॉरी मुझे जिस हिसाब अभिजीत नाम से याद है, इसमें पता नहीं क्या नाम उनका। भूमिपेड नेगर देखते हैं कि किस तरीके से उनका सच सामने लाते हैं इस पिक्चर में, और कहानी को कैसे दिखाया जाता है। और ये तो पता है कि पॉलिटिशियन का रोल क्या है उन्होंने, राजनेता का, तो अच्छी खासी दिखाया होगा कि उन्होंने इसमें बीच में कहा भी था कि वो ये सब हो रहा है लेकिन किसी को पता नहीं, तो किस हिसाब से उसकी पावर है, वो पावर से कैसे रोकता है इनको। यही इनकी मिली भगत है जो दोनों आगे टकराएंगे। एंड एंड में जो पॉइंट दिख रहा है कटा हुआ क्रॉस के बीच पॉइंट में, वो टाइम होता है जो कि हर पिक्चर का वो होता है क्लाइमेक्स, वो क्लाइमेक्स अब इनको पता चलेगा। एंड कहानी तो अच्छी लगी मुझे, और आप बताएं आपको अच्छी लगी या ना लगी हो, वो आपको डिपेंड करता है। मैं इसमें ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता कि आपकी, मैं अगर मुझे अच्छी लगी तो मैं आपको ऊपर थोप दूँ कि आपको अच्छी लगी हो, या आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कहानी सही लगी नहीं लगी।
मुझे कमेंट में बता सकते हैं आप। और अगर आपको किसी और वीडियो पर रिएक्शन करवाना है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप उसको वीडियो का टाइटल या लिंक डाल सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस हिसाब से डालो। एंड बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, इससे ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं इसमें। एंड बाय, एंड आप सभी को राम राम, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे लाता रहूँगा और आप सब सेफ रहें, ये वीडियो करके मैं खत्म करता हूँ। सब बाय।